भोपाल में भीड़भाड़ वाली जगहों पर महिलाओं की निजता के लिए फीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे। नगर निगम ने इसकी तैयारी भी कर ली है। नगर निगम फीडिंग सेंटर बनाने के लिए कई जगहों पर चयन कर चुका है। शुरुआत में 4 जगहों पर फीडिंग सेंटर खोले जा रहे हैं और ये शी लाउंज की तर्ज पर ही बनाए जाएंगे। इनके बनने के बाद भीड़भाड़ वाली जगहों में महिलाओं को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब खबर भोपाल के बैरसिया से। यहां नगर पालिका परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त हितग्राहियों के खातों में ना डालने और गरीब पट्टे ना दिए जाने के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। कांग्रेस के युवा नेता और नगर पालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष रह चुके राजू धागड़ के नेतृत्व में नगर में मशाल जुलूस निकाला और नगर पालिका प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। राजू धागड़ ने कहा कि बैरसिया नगर के वार्ड 1 से लेकर वार्ड 18 तक के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही परेशान है। हितग्राहियों के खाते में किस्त की राशि नहीं डाली जा रही है। गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। शासन की योजना अनुसार उनको पट्टे मिलना चाहिए लेकिन इन गरीबों को आज तक पट्टे नहीं दिए गए। हम बार बार नगर पालिका जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं फंड आ गया है, ये गरीब लोगों का पैसा खाते में क्यों नहीं डाला जा रहा। तो जब हमने देखा कुछ गरीब लोग हमारे साथ आए, हम ये भी उनसे 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं भाजपा कार्यालय में और अपने नगर पालिका कार्यालय और भाजपा कार्यालय अटैच हो गए हैं। जो 10,000 रुपये देता है उसकी किस्त बन जाती है। अब ये गरीब लोग 10,000 रुपये कहाँ से देते हैं। दूसरी बात, मैं ये तथ्यों के साथ बोलूँगा और मैं नाम ले सकता हूँ, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनकी किस्त डाल रही है और जो आम पब्लिक है वो दर दर भटक रही है। 2-2 साल हो गए जब पात्र हैं, फाइल कंप्लीट है, आपके नगर पालिका खाते में फंड आ चुका है तो पैसा क्यों नहीं डाला जा रहा है। उसको लेकर आज हमने ये नगर में मशाल जुलूस निकाला है और 2 दिन के अंदर अगर गरीब लोगों के खाते में आवास योजना की राशि नहीं डाली गई तो इससे अब्र आंदोलन होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की।